क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर आईसीआर दास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनके इनकम का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्पेंसरी से उनको मिल रहा है 2,35,000 रुपये, कंसल्टेशन से 2,75,000 रुपये और विजिटिंग फीस उनका है 80,000 रुपये। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन है उनका 70,000 रुपये का और सैलरी वगैरह वो अपने स्टाफ को दे रहे हैं 22,500 का। उनकी वाइफ का इनकम दिया है 1,20,000 का, तो वाइफ का इनकम का यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होता है। उन्होंने 10 मशीन खरीदी हैं 30,000 रुपये में और कोई भी उनका इंस्ट्रूमेंट 5,000 से ज़्यादा का नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक जर्मनी के लिए एक टूर पे गए जिस पे उन्होंने 25,000 रुपये खर्च किया है और ये टूर उनके प्रोफेशन के लिए था जो उनके कस्टमर के बीच उनके रेपुटेशन को बढ़ाएगा। उन्होंने बुक के ऊपर खर्च किया 12,500 और बुक के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट है 40%। उनका एक बड़ा हाउस है जिसपे 2 यूनिट हैं, 1 यूनिट को वो अपने डिस्पेंसरी के लिए यानी कि अपने प्रोफेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसका तो कैलकुलेशन नहीं होगा, और एक हाउस को वो अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ से यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाई है तो उसका म्यूनसिपल वैल्यू दिया है 23,600, लोकल टैक्स दिया है 2,000 रुपये और उन्होंने 10,000 रुपये क्लेम किया है रिपेयर और रिनोवेशन के ऊपर खर्चा करने के लिए। लेकिन हमको पता है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाई घर होता है उसका एनुअल वैल्यू नील होता है, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन होता है, तो यहाँ पे एसपी का वैल्यू नील रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन नहीं लिया गया है। उनका अदर इनकम है 35,000 रुपये का, तो हमको उनका टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ डॉक्टर आईसीआर दास फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एचपी, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाई हाउस था इसलिए इसका एनुअल वैल्यू नील होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज था 35,000 रुपये। पीजीबीपी इनकम में रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी उनका था 2,35,000, रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन था 2,75,000, विजिटिंग फीस था 80,000। अब इसमें हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 77,000 का, सैलरी टू डिस्पेंसरी स्टाफ 22,500 का और डेप्रिसिएशन ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट था 30,000 का, इसका 35% निकाल देंगे तो आ जाएगा 10,500। और जो उन्होंने टूर के ऊपर स्पेंड किया था क्योंकि वो उनके प्रोफेशन के लिए था, उनके प्रोफेशन को इंक्रीज़ कर रहा था, तो वो 25,000 रुपये का डिडक्शन उनको मिल जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन बुक ये 12,500 का 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,000। अब हमको 2,35,000, 2,75,000 और 80,000 को जोड़ के उसमें से ये सारे चीज़ माइनस करने हैं तो हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी आ जाएगा 4,50,000 रुपये। 35,000 और 4,50,000 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 4,85,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, श्री भगवान रावत एमपी हैं मथुरा के, उन्होंने एक हाउस को 2,000 रुपये में रेंट पर लिया है और उसमें 2,500 रुपये रिपेयर के ऊपर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने उस हाउस के आधे भाग को अपने फ्रेंड को 1,200 रुपये में किराए पर दे दिया है यानी कि सबलेट किया है, और उनका एक अपना खुद का हाउस भी है जिसको उन्होंने 1,500 रुपये में किराए पे दिया हुआ है और उसके रिपेयर पे 5,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। उनका सैलरी है 6,00,000 रुपये, डेली अलाउंस है 90,000 रुपये, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी है 8,000 रुपये, शेयर इन इनकम ऑफ HUF है 10,000 रुपये, नेट रिसीव फ्रॉम लॉटरी है 17,500 और उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी थी 5,000 रुपये, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है 5,000 रुपये, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम है 4,000 रुपये, तो ये भी सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि कार्ड गेम का इनकम तो दिया नहीं है, ये कार्ड गेम के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया है 1,000 रुपये और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया है 4,000 रुपये ग्रॉस, तो हमको उनका टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एचपी, उन्होंने घर किराए पे दिया था 1,500 रुपये, साल भर का निकालेंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपये, डिडक्शन हम देंगे अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 18,000 का 30% आ जाएगा 5,400, 18,000 में से 5,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12,600 जो उनका इनकम फ्रॉम एचपी हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें सैलरी ऑफ एमपी एमएलएस के सैलरी अदर सोर्सेज में आ जाते हैं 6,00,000 रुपये, डिविडेंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 8,000 रुपये, लॉटरी क्योंकि इसमें TDS कटा होता है 30%, तो यहाँ पे हम 17,500 को इंटू करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 70 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस आ जाएगा 5,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगा 1,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आ जाएगा 4,000 रुपये और इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस को उन्होंने रेंट पे दिया था 1,200 रुपये में, साल भर का निकालेंगे तो आ जाएगा 14,400 और सबलेटिंग हाउस को रिपेयर करने पे खर्च किए थे 2,500 रुपये, के आधे भाग को ही सबलेट किया गया था, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 1,250। अब रेंट पेड हम निकालेंगे तो रेंट वो खुद दे रहे थे 2,000 रुपये और साल भर का निकालना है इसलिए हमने इंटू कर दिया 12 से, और क्योंकि सिर्फ आधे ही घर का वो रेंट दे रहे थे इसलिए डिवाइड करेंगे हम 2 से तो आ जाएगा 12,000 रुपये।
तो हम 14,400 में से जब 1,250 और 12,000 माइनस करेंगे तो उनका इनकम आ जाएगा 1,150। टोटल जब अपन पूरा निकालेंगे तो उनका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगा 6,44,150। इनकम फ्रॉम एचपी का 12,600 और आईओएस का 6,44,150 प्लस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल टोटल इनकम आ जाएगा 6,56,750।